पिछले दो एपिसोड में हमने जो सील है उसके बारे में बताया है। कई बार सवाल हमारे पास आता है कि हम बार बार सील सील करते हैं, ये शब्द सील है या शील है। देखिए, शय जो शब्द है या जो विषय में शय होता है, विषय वाला शय और शील वाला शय यानी शहर वाला जो शय है, ये दोनों शय पाली के शब्द नहीं है। पाली का मतलब मागधी के या मगधी के या पुरानी भाषा जो अशोक के समय से पहले की भाषा बुद्ध की भाषा थी, उस समय के आसपास की मगध की भाषा थी, उसमें शय या षटकोण वाला जो शय है ये शब्द कहीं नहीं है। तो जब शय वर्ड नहीं है और षटकोण वाला शब्द नहीं है तो ये जाहिर सी बात है कि शील शब्द भी नहीं है। बेसिकली पूरे पाली साहित्य में शय शब्द ही नहीं है, तो ये सील शब्द है। अब सील क्या होता है? सील बोलते हैं कि जो बात, जो चीज आपके वचन यानी जो आप बोल रहे हैं वो, और जो काम आप कर रहे हैं वो, उसके लिए ये बताता है कि ये काम ठीक है, ये काम पूरी दुनिया के हिसाब से, समुदाय के हिसाब से, मोहल्ले के हिसाब से, घर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, नेचर जो रूल है उनके हिसाब से और मेरे अपने हिसाब से, ये सबके लिए कल्याणकारी है और पॉजिटिव है, ये काम करना चाहिए, ये काम होना चाहिए, उसको सील कहते हैं। और अगर उसके विरुद्ध कोई बात होती है तो वो विसील होता है। विष का मतलब होता है, यानी कि विसील से विष बना है, विष माने जहरीला होता है। सील जो होता है वो सौम्य होता है, लाभदायक होता है, कल्याणकारी, और अगर वी लगा देते हैं उसमें तो विष बन गया, विसील हो गया, तो वो जहरीला हो गया, इसको हम सील बोलते हैं। सील की मान्यता इसलिए भी जाता है कि अगर आप बुद्धत्व प्राप्त करना चाहते हैं तो बुद्धत्व की पहली सीढ़ी सील है। जो व्यक्ति चाहे कितना ही धम्म पढ़ ले, चाहे कितना ही विनय पढ़ ले, या कितनी समाधि लगा ले, चाहे कितना ही क्या बोलते आचार ठीक कर ले, चाहे कितनी प्रज्ञा उसको हो, अगर सील नहीं है तो जीरो है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। जैसे जैसे सील फाउंडेशन है, पांच सील भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया के लोगों के लिए बताए, मगर आठ सील और दस सील जो बताए हैं, पांच के बाद छः, सात, आठ, नौ, दस और उसके बाद आगे तक, वो सिर्फ टीचर्स के लिए हैं, मंक्स के लिए हैं, भंते के लिए हैं, साधु के लिए हैं, जो संत हैं उनके लिए हैं, जो भिक्खुणी हैं उनके लिए हैं, वो सिर्फ उनके लिए हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे जानना चाहते हैं। पांच सील मैंने आपको बताए हैं। छठा सील जो भगवान ने खुद बनाया है, सारे सील भगवान ने खुद बनाए हैं, एक्सपीरियंस से बनाए हैं, और जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, देखा अपने शरीर में, उससे सारे सारे ईजाद हुए हैं, पैदा हुए हैं, कहीं नियम लिखा हुआ नहीं आया उनका। छठा सील है विकाल भोजना वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी। विकाल का मतलब है असमय, यानी कि अगर आप दोपहर बाद को, यहाँ विकाल बोला है, दोपहर बाद पहले घड़ी तो होती नहीं थी, तो कैसे बोलते थे? तो तीन याम बनाए हुए थे, छह याम होते थे, यानी पूरे 24 घंटे को छह भागों में तोड़ा गया, चार चार घंटे में, तो तीन जो याम थे रात के और तीन होते थे दिन के। तो दिन के पहले याम के बाद, यानी कि जब सूरज आपके बिल्कुल सर पे है और आपकी छाया जमीन से ना राइट जा रही है ना लेफ्ट जा रही है, ना सीधे हाथ को जा रही है ना उल्टे हाथ को जा रही है, ना इधर गिर रही है ना उधर गिर रही है, यानी जब दोपहर में आप खड़े हो जाएं और सूरज की रोशनी आपके शरीर के बिल्कुल सर के ऊपर हो और नीचे परछाई ना सीधे हाथ पे हो ना उल्टे हाथ पे, ना आगे ना पीछे, उसकी परछाई आपके शरीर के अंदर ही रहे, वो उस समय को माना गया है कि उससे पहले पहले खाना आपने खाना है अगर आप भिक्खु हैं तो। ये नियम टीचर के नियम है, भिक्खुओं के नियम है, भिक्खुणों के नियम है, ये पब्लिक के या उपासकों के या ग्रस्त लोगों के नहीं है। ग्रस्त लोग दो टाइम खाएं, तीन टाइम खाएं, अपनी जरूरत के हिसाब से खाएं। तो भगवान ने, तथागत ने ये देखा कि अगर 12 बजे के बाद भी खाना खाता है कोई टीचर तो उस खाने का लाभ नहीं है, क्योंकि वो साधना विपस्सना नहीं कर पाएगा और मोटा हो जाएगा, उसको इतना ज़्यादा फूड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है, वो शारीरिक काम नहीं कर रहा है, मेहनत का काम नहीं कर रहा, वो मेंटल वर्क कर रहा है, वो ध्यान लगा रहा है, अपने मन मस्तिष्क को मजबूत कर रहा है, और इस मजबूत करने के लिए शरीर में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बैठा हुआ है और बैठ के काम कर रहा है। तो उन्होंने नियम बनाया कि 12 बजे के बाद, यानी कि जब छाया शरीर के बिल्कुल ऊपर है, उसके बाद में खाना नहीं लेना है। वेरमणि का मतलब है व्रत रहता हूँ। सिक्खा पदंग माने, सिक्खा माने सीखना, पदंग माने पद यानी इस चीज़ को, पद को, और समाधियामी मतलब ऐसा लेता हूँ, सम आद यानी, यानी कि सम माने पूरी तरह से ग्रहण करता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोपहर बाद भोजन ना करने की प्रतिज्ञा करता हूँ, या शिक्षा लेता हूँ, या सीखता हूँ, या करूँगा। एक उनका
ये सील है, ये सील उपोषक में भी जो लोग होते हैं उनको भी काम आते हैं, वहां 8 सील लेने होते हैं। सातवां सील है हमारा नच गीत वादित विसूख दसना माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण नट्ठाना वीरमणि सिक्खा पदंग समादयामी। ये भी जो सातवां सील है यानी सातवां जो नियम है ये भी भिक्षुणियों के लिए है, भिक्षुणियों के लिए है, उपासकों के लिए नहीं है। उपासक के लिए तब है जब अगर वो उपोषत का यानी पर्व करेगा, जब वो विपसना ध्यान साधना करेगा जिस दिन, उसके लिए है। इसमें नच का मतलब जो होता है वो नाचना, यानी नृत्य ना देखना है ना करना है ना मन में लाना है। भिक्खु या भिक्षुणी कहीं नहीं बैठ सकते ऐसी जगह जहाँ पे नाच गाना चलता हो। गीत माने गाना, ना वो गाएंगे ना सुनेंगे ना वो देखेंगे ना उसको मन में ग्रहण करेंगे ना मन में रिपीट करेंगे, यानी मन के अंदर भी वो ऐसी कोई पिक्चर नहीं चलाएंगे जिसमें नाच या गाना आता है। वादित का मतलब है बजाना, यानी वो कोई वाद्य यंत्र बजाएंगे भी नहीं और ना उसको देखेंगे ना उसको मन में धारण करेंगे ना ही मन में रिपीट करेंगे। विसूख दसना, विसूख दसना का मतलब है नाटक या कोई मंचन जो कार्यक्रम होता है, नाटक या पिक्चर वगैरह देखना, यानी कि वो कोई पिक्चर या नाटक भी नहीं देखेंगे ना ही उसके बारे में मन में लेके आएंगे ना ही कोई पुराना देखा हुआ है उसे मन में रिपीट करेंगे या मन में देखेंगे। फिर आता है माला गंध विलेपन। माला जो होता है जो आभूषण पहनते हैं सारे के सारे, कोई आदमी या कोई औरत जो हाथ में या गले में माला पहनता है ऐसी कोई माला, या गंध या कोई लेप लगाता है शरीर के अंदर, कोई खुशबूदार कोई चीज़ या फूलों का रस या कोई ऐसी चीज़ जिसमें स्मेल आए अच्छी या ख़राब, या विलेपन कोई ऐसी क्रीम जो हम चेहरे पे या कहीं बॉडी पे लगाते हैं या कोई तेल या कोई भी चीज़ ऐसी क्रीम, उसको धारण करना, यानी कि उसको एक्ट को नहीं करेगा, धारण नहीं करेगा, मन में भी नहीं लेके आएगा। मंडन माने हैं मंडप, आपने देखा होगा, मंडन माने सजावट, यानी कि कोई सजावट भी नहीं करेगा, कहीं फूल लगा लिया या कोई पत्ती लगा ली या कुछ बांध लिया या सर पे कुछ रख लिया, ऐसा मंडन भी नहीं करेगा, ऐसा मंडप भी नहीं करेगा। विभूषण ठाना, विभूषण ठाने माने हैं विभूषण, विभूषण ठाना माने ठान माने होता है कौज आभूषण, यानी कि कोई विभूषण भी, जैसे कहते हैं ना विभूषित या विभूषण, तो कोई विभूषण भी नहीं ठाना माने रखेगा, यानी कोई विभूषण आभूषण भी नहीं पहनेगा, कोई ज्वेलरी या कोई अंगूठी या कोई गंडा तावीज़ या कोई भी चीज़ ऐसी या धागा या कोई जो हाथ में कोई चीज़ बांधेगा, बिल्कुल बॉडी साफ रहेगी, कोई भी चीज़ उसको ग्रहण नहीं करेगा। वैसे आज के समय में चश्मा पहन सकते हैं क्योंकि चश्मा जो है वो शरीर के साथ माना जाता है, वो इसमें नहीं आता, उस समय चश्मा नहीं था तो चश्मा तो पहना जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीरमणि सिक्खा पदंग समादयामी, उनसे व्रत लेने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये सातवां है, भिक्षुओं के लिए, मंक्स के लिए, विपासकों के लिए, उपासकों के लिए नहीं है जब तक कि वो उपोषित ना लें। आठवां जो सील है वो है उच्चासयन महासेना वीरमणि सिक्खा पदंग समादयानी, यानी उच्चासयन ऊंची सैया यानी ऊंचा सोना, और महासेना यानी कि बड़ा सेना, उच्च माने होता है ऊंचा और महासेना माने होता है महा माने बड़ा, सेना सोना, वीरमणि सिक्खा पदंग समादयामी। अब यहाँ ऊंचा सोना और महासेना का जो अर्थ है वो क्या है, उच्च सोना का मतलब यह है कि आप जमीन पर सोएंगे ऊपर नहीं सोएंगे, और महासेना का जो मतलब है वो यहाँ आता है कि आपने बड़े बड़े गद्दे, नरम मुलायम गद्दे या बहुत पैरों के नीचे गद्दे लगा लिए, बिस्तर आपका बड़ा नरम है मुलायम है, या आपकी बेडशीट बड़ी शानदार है, या वहाँ क्या बोलते हैं बिस्तर पे बड़ा आराम आ रहा, जैसे आप पंखों में या आप बादलों में रुई के गुब्बारों में लेटे हुए हैं, ऐसे करके यानी कि बड़ी सैया और ऊंची सैया और या सर उठा हुआ है आपका, सर उठा के आप सो रहे हैं, ऐसी सैया आपको नहीं करनी है, आपको ज़मीन पर समतल सोना है, आराम से सोना है। ये उपोषित का नियम है, ये नियम इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि अगर आप ध्यान देखेंगे कभी और ध्यान से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आप सीधे हाथ पे सोते हैं तो आपका मन और तरह तरह से काम करेगा, अगर आप उल्टे हाथ की करवट लेके सोते हैं तो आपका मन और तरह से काम करेगा, और आप अगर बिल्कुल सीधे सोते हैं तो फिर मन आपका बिल्कुल स्थिर रहेगा और सीधा रहेगा। इसलिए जितने भी उपासक लोग हैं और भिक्खु लोग हैं वो बिल्कुल सर आसमान की तरफ करके, गर्दन को ऊपर आसमान की तरफ करके बिल्कुल सीधे सोते हैं, वो करवट नहीं देते, और बुद्ध तो कभी सोते ही नहीं थे, बुद्ध हमेशा जागृत रहते थे, वो सिर्फ अपने शरीर को आराम देने के लिए सिंह सैया में लेटते थे, जैसे सिंह लेटता है
नीचे वो एक हाथ लगा के और साइड में, और कभी नहीं सोते थे वो बुद्ध बनने के बाद में, क्योंकि बौद्ध जो बुद्ध हो जाते हैं या जो विपश्यना करते हैं, साधना करते हैं, उनको नींद की आवश्यकता नहीं होती, शरीर उनका थक जाता है, इसलिए शरीर की सेल को रिपेयर करने के लिए, शरीर को रिपेयर करने के लिए, शरीर को आराम देने के लिए वो अपने मूवमेंट को रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यानी कि वो लेट जाएंगे, मूवमेंट रुकी रहेगी तो शरीर अपने आप को रिपेयर कर लेगा, उसकी मरम्मत कर लेगा, शरीर फिर दोबारा से ठीक हो जाएगा। सोने की आवश्यकता उसको पड़ती है जो बुरे काम करता है। इसलिए जो अच्छे काम करते हैं और जो पंचशील को मानते हैं, अठशील को मानते हैं, आप ताज्जुब करेंगे कि वो चार घंटे भी सोएंगे तो चार घंटे में उनकी नींद पूरी हो जाएगी, ना भी सोएंगे तो वो थकते नहीं है, फ्रेश ही ऐसे रहते हैं। बुद्ध कभी नहीं सोते थे, ये एक कमाल की बात है और बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है। तो दो सील, दस सीलों में दो सील और आते हैं, एक आता है नरम सैया का और एक आता है कामनी कंचन का। कामनी कंचन मतलब सोने चांदी का या औरत का कोई ध्यान या पुरुष का कोई ध्यान नहीं रखेंगे अगर भिक्खुनी भिक्खुनी है। वैसे आठ नियम ज़्यादा चलते हैं और उपोषत में भी आठ नियमों का पालन किया जाता है। धन्यवाद।